हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आलू पोहा बनाइए जब एकदम क्विकली बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना हो या ब्रेकफास्ट बनाना हो। इसके लिए चाहिए बस आलू और ब्रेड। पैन में हम लेंगे थोड़ा सा तेल और हम इसे छिड़केंगे थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स राई, डालेंगे जीरा, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और अब हम डाल देंगे छोटे कटे हुए उबले आलू। यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज आलू लिए हैं। अब बस इन आलूओं को थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ा सा क्रंची, ज़्यादा नहीं। ये आलू उबले हुए हैं तो ये कुक तो हैं, बस हम इनको थोड़े मसालेदार बनाएंगे और क्रंची बनाएंगे। अब हम तैयार करते हैं अपनी ब्रेड। पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक और ऐसे ब्रेड उसमें डाल के उसको मैश करेंगे अपने आलूओं पे। पानी को निचोड़ लेंगे। इसमें आप ब्रेड की साइज को भी यूज़ कर सकते हैं, वही टेस्ट आएगा। इसको थोड़ी देर हम पका के अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर। मसाला डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस थोड़ा सा और। अब लास्ट थिंग डालेंगे हम इसमें खूब सारी टमेटो केचप। आप चाहें तो हॉट एंड स्वीट चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और ये हो गया है हमारा पोहा रेडी। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप चाहें तो इसमें लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और मैं इसमें और एक चीज डालती हूँ, वो है रोस्टेड पीनट्स ऊपर से। और फिर इसमें ऊपर से डालिए फ्रेश धनिया। ये है बिल्कुल तैयार। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट द करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंजॉय।